So, dear students, good morning. In today's lecture, we are going to start a new topic, new chapter, that is relations and functions, very important topic. And in this chapter, we will talk about exercise 2.1. And first of all, we will discuss the Cartesian product of two sets, Cartesian product. So, what is the definition of Cartesian product? Given for the given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product P cross A, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसे Cartesian product को ना P cross A, is the set of all the ordered pairs. यहाँ पर जो भी है, जो collection है elements की P cross A के अंदर, वो ordered pair होंगे elements के. और लेकिन किस किस के elements के ordered pair? P के और Q के. किस तरह के element आएंगे P क्रॉस Q के अंदर? कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसमें मतलब पेयरिंग P कॉमा Q टाइप के एलिमेंट्स आएंगे. और वहां P किसको बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट को, कैपिटल P को. और Q जो है सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विल बिलोंग्स टू द सेकंड सेट Q. तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, मेरे पास सपोज कोई, यहां नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दिया ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि अगर मेरे पास, चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए. मान लेते हैं P के अंदर 1, 2 एलिमेंट्स हैं और Q के अंदर है 3, 4. अगर मैं P कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q या P क्रॉस Q लिखना चाहता हूं, तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर्ड पेयर? पहला एलिमेंट P से आना है, 1 के साथ पेयरिंग. दूसरा एलिमेंट 3 आ सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 के साथ 4, इसी तरह से 2 के साथ 3, 2 के साथ 4. तो ये पॉसिबल जो है ना हमारे पास, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, तो ये कंप्लीट, अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं एक सेट की फॉर्म में लिखूं, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, P क्रॉस Q सेट आ गया है. और दो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल कब होते हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल कब कहते हैं हम लोग? जब उनके कोरिस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं, सपोज इफ x, y इज इक्वल टू P, Q, दिस इंप्लाइज x is equal to P and y is equal to Q. इसी तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं स्टेटमेंट लिख के उसको सॉल्व कर रहा हूँ. अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आप भी देख सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1 का पेज नंबर 33 है. 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x ओवर 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3. हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सिंपली हम लोग इक्वेट कर देंगे, x ओवर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3. यहां से x ओवर 3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू 2/3, एंड फाइनली x विल बी इक्वल टू 2. इन द सिमिलर वे y विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इट विल बी 3/3, फर्दर y इज इक्वल टू 1. सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, हमने सिंपली सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो कि हम लोग किसी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, वो भी आपसे शेयर कर लूं मैं, कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, किसी भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो क्यू है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. ये हमारे पास एक किसी भी, कोई भी दो सेट्स हैं उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, हमें यहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा.
एक और चीज यहां पर डिस्कस करता हूं कि ये ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सपोज मेरे पास ए की सेट है, ए ए के अंदर है ए कॉमा बी एलिमेंट्स, तो अगर मैं ए क्रॉस ए कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे आएगा? इसका क्या मतलब हो गया ए क्रॉस ए का? इसका मतलब हो गया कि पहला एलिमेंट भी जो है वो सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से आएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन जाएंगी? ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, इस तरह की जो है उस एलिमेंट्स जो है ए क्रॉस ए के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? टू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो कितना आ गया? टू इंटू टू, तो चेक कर लो फोर ही आ रहे हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए फोर ही आ रहे हैं, ऊपर हमारे पास सेट भी है ए क्रॉस ए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर टू करते हैं सॉल्व आगे। यस, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? इफ द सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स एंड द सेट बी हैज थ्री फोर फाइव, इसमें भी थ्री एलिमेंट्स ही हैं, समझ रहे हो? ए के अंदर उसने बताया नहीं कौन से एलिमेंट है, उसने कहा थ्री एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थ्री है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? यस स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आल्सो इक्वल टू थ्री। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए थ्री है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी थ्री है। अब फिर से सुनो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए थ्री है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बी थ्री है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो कितने आ गए? थ्री इंटू थ्री नाइन। ये ठीक हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी नाइन होंगे बेटे, यही उसने पूछा था। जी के अंदर और एच के अंदर एलिमेंट दिए हैं, जी क्रॉस एच क्या आएगा? सेवन कॉमा फाइव ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें से, सेवन कॉमा फोर, सेवन कॉमा टू, फिर उसी तरह से एट कॉमा फाइव, एट कॉमा फोर, एट कॉमा टू, ये हमारे पास जी क्रॉस एच आएगा। इसी तरह से एच क्रॉस जी आप खुद कैलकुलेट करोगे। नीचे उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, वो कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अब ये पहली स्टेटमेंट है, उसने कहा है पी के अंदर दो एलिमेंट्स हैं एम एंड एन, क्यू के अंदर एन कॉमा एन, पी क्रॉस क्यू के अंदर क्या आएंगे? देखो पी क्रॉस क्यू के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? पी के अंदर भी टू थे, क्यू के अंदर भी टू है, तो टू टू जो फोर, फोर आने चाहिए थे पी क्रॉस क्यू के अंदर ऑर्डर पेयर, लेकिन ये तो टू है, इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हमें ट्रू क्या है वो लिखनी है। मैं लिख रहा हूं, पहले m एलिमेंट है, m के साथ n, फिर m के साथ m, फिर इसी तरह से n के साथ n, ऑर्डर पेयर जो बनेंगे n कॉमा m, ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन गए हैं। पी क्रॉस की क्यू के अंदर चार एलिमेंट्स आने थे वो आ गए। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इज इट ट्रू? ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट? ट्रू है। इसी तरह से बेटे जो उसने हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, थर्ड आप खुद देखोगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आगे करवा रहा हूं आपको डिस्कस आपसे। इसमें पहले बेटे क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यहां पर क्या आ गया है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो वहां पर आते थे पेयर्स, यहां पर क्या आएंगे? ट्रिपलेट्स आएंगे। ट्रिपलेट्स तो कौन कौन से ट्रिपलेट्स आएंगे? ए क्रॉस ए है ना, तो ट्रिपलेट्स में जो तीनों ही एलिमेंट आएंगे वो ए से आएंगे। तो दो एलिमेंट उसने दिए हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है?
तीनों ही एलिमेंट माइनस वन माइनस वन माइनस वन हो सकते हैं, एक माइनस वन कर देते हैं, दो माइनस वन रहने देते हैं, एक वन कर देते हैं। अब वन, पहली तो बात यह है कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, टू इंटू टू इंटू टू, कितना आ गया ये, एट, एट ट्रिपलेट्स आने हैं आपके। अब वन को ना हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं उसकी, पहले लास्ट पोजीशन पे था वन, अब हम लोग क्या करते हैं उसे, मैं यहां से लिखता हूं नीचे, ये सेट नीचे लिखता हूं, माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट में से दो वन कर देते हैं, एक माइनस वन रहने देते हैं, क्या आएगा, वन माइनस वन वन, इसी तरह से वन वन माइनस वन, लास्ट आ जाएगा वन 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 वन, तीनों ही, ये हमारे पास एट आ गए हैं, एट ट्रिपलेट्स आ गए हैं जो ए क्रॉस ए हमें कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ते हैं बेटे, ए क्रॉस बी दिया है सिक्स क्वेश्चन में, वो कहता है ए और बी कैलकुलेट करो, ए जो है ए के एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर आपको दिए हैं उसमें से पहले एलिमेंट किस सेट में से आते हैं, पहले एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट कौन से सेट में से आते हैं, सेट ए में से, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में से आते हैं, इसलिए जो सेट बी है वो एक्स कॉमा वाई आएगा, जो सेट ए है पहले पहले एलिमेंट सेट ए में से आते हैं। हाँ जी बोलो बेटे, मैं कर देता हूँ ये सेट जो जो हमारे पास कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास जो सेट ए है वो कौन सा आएगा, पहले पहले एलिमेंट सेट ए से आने हैं, तो पहले एलिमेंट्स कितने, हम लोग सेट में रिपीट नहीं ना करते एलिमेंट, इसी तरह बी में कौन से आएंगे, एक्स कोमा वाई, सेकेंड नंबर वाले एलिमेंट्स सेट बी से आने, इसकी डेफिनेशन ऑर्डर पेयर की हमें बताती है। अब देखो एक वेरिफिकेशन मैं कर देता हूं, जैसे पहले वाली वेरिफिकेशन हम लोग कर लेते हैं, सेट ए हमें पता है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी दोनों दिए हैं ना आपको, बी इंटरसेक्शन सी फाई आएगा कि नहीं आएगा, बी और सी में तो कुछ कॉमन नहीं है, और ए क्रॉस फाई, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस फाई क्या आएगा, फाई। इसी तरह से राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास पहले पार्ट की, राइट हैंड साइड क्या आएगी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, समझना, ए क्रॉस बी क्या आएगा, ऊपर ए भी दिया है और बी भी दिया है, ए क्रॉस बी लिखने लगा हूं, हाँ जी ए क्रॉस बी, वन कॉमा वन वन कॉमा टू वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर, इसी तरह से टू कॉमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर, ये हमारा सेट आ गया ए क्रॉस बी, इसके साथ इंटरसेक्शन, अब ए क्रॉस सी लिखना है, वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स। अब देखो इनमें से कोई ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ रहा है, दोनों सेट्स में से कोई ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आ रहा हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बेटे, सारे डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो यहां पर क्या है, ये दोनों की इंटरसेक्शन फाई आ जाएगी, नथिंग इज कॉमन,
दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8th देखो जल्दी से, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1,2, बी के अंदर 3,4 है। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है। ए क्रॉस बी क्या आएगा, कोई बच्चा बता सकता है? यस, वेरी गुड, यही एलिमेंट्स आएंगे 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, यही पॉसिबल हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस बी के अंदर। उसने ना सबसेट पूछे हैं, सबसेट इसके कितने हो सकते हैं, उनको हमने लिस्ट करना है। सबसे पहले इसका एक सबसेट हो गया फाइव, दूसरा हो गया ये पूरा कंप्लीट सेट 1,4, 2,3, 2,4, एक ये हो गया कंप्लीट सेट। एक सभी एलिमेंट्स का अलग अलग बना लेते हैं, एक पहला सेट ले लेते हैं कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, वन ऑर्डर्ड पेयर 1,3, 1,4, एक ही ऑर्डर्ड पेयर जिसमें आ रहा है 2,3, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 2,4, ब्रैकेट जरूर लिखनी है इसके अंदर भी। इसी तरह से दो दो ले लेते हैं पेयरिंग, इसमें 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, जो भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं 1,3, 2,4, 1,4 के साथ 2,3, 1,4 के साथ 2,4 और इसी तरह से 2,3 एंड 2,4, ये दो दो हो गए हैं। अब हमने 3-3 वाले ट्रिपलेट बनाने हैं, तीन तीन एलिमेंट लेके। कौन कौन से आएंगे? 1,3, 1,4, 2,3, ये एक ट्रिपलेट बन गया, तीन एलिमेंट आ गए इसमें। इसी तरह से 1,3, 1,4 एंड 2,4, ये लास्ट वाला ले लेते हैं। इसी तरह से लास्ट वाले 3 ले लेते हैं, 1,4, 2,3, 2,4, ये सारे 4 हमने पहले कवर कर लिए। पहले 5 आ गया, फिर हमारे पास आ गया सभी कंप्लीट सेट आ गया, फिर एक एक एलिमेंट लेके सेट बना लिया, सबसेट ही बनाए हैं सभी, ये सभी सबसेट हैं ए क्रॉस बी के। तो यहां से हम लोग फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने आएंगे, 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसका मतलब हो गया 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, 2^2। ये अगर इस केस में देखें तो ए में भी 2 एलिमेंट थे, बी में भी, 2×2=4, तो ये कितना आना था हमारे पास 16। ये आप काउंट कर सकते हो कि 16 सबसेट्स हैं कि नहीं है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, हमने जल्दी से ये कंप्लीट कर लेनी है एक्सरसाइज। हाँ जी, ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2। इसके अंदर कितने हैं, उसने एलिमेंट दे दिए हैं x,1, इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो दिए हैं वो कौन से दिए हैं, x,1, y,2, z,1, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। वो कहता है कि ए और बी फाइंड करो, एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ए में कितने एलिमेंट आएंगे, पहले पहले जो एलिमेंट्स है ना उनमें से देखो 3 एलिमेंट मिलते हैं हमें लग लग के, नहीं बिल्कुल मिल रहे हैं, एक्स वाई जेड, ए कंप्लीट हो गया,
बी सेट कहाँ से कवर करना है, सेकंड नंबर वाले एलिमेंट्स में से, वहां से दो एलिमेंट चाहिए आपको बी के, बी के अंदर दो ही एलिमेंट्स है, तो दो एलिमेंट्स हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, एक वन और एक टू, तो ये ए और बी आ गया है मेरे पास। अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। टेंथ क्वेश्चन, द कार्टिजियन प्रोडक्ट, द कार्टिजियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज नाइन एलिमेंट्स अमंग विच आर, उनमें से कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, विच आर फाउंड माइनस वन कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा वन, ये एलिमेंट दिए हैं। वो कहता है फाइंड द सेट ए ए एंड द रिमेनिंग रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट भी। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए, मैंने बाई नेम नोट करना है किस किसने क्लास लगाई। सबसे पहले तो देखो क्लियर हो गया है कि ए क्रॉस ए के अंदर नाइन एलिमेंट्स हैं, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थ्री, तो हमें तीन जो ऑर्डर पेयर उसने दिए हैं उनमें से तीन डिफरेंट एलिमेंट्स देखने हैं कि हमें वहां से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बिल्कुल, एक माइनस वन, एक जीरो और एक वन, तीन एलिमेंट्स दिखाई दे दिए मुझे, ए सेट मिल गया है। अब वो कहता है कि बाकी जो ऑर्डर पेयर है ना ए क्रॉस ए के, वो कैलकुलेट करते हैं, तो ए क्रॉस ए के अंदर पूरा ही ए क्रॉस ए कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस वन कॉमा माइनस वन, माइनस वन कॉमा वन, वन कॉमा माइनस वन, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वन, वन कॉमा जीरो, माइनस वन कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस वन, वन कॉमा वन, ये नहीं लिखा हमने। तो ये ए आप चेक कर लो, ये टोटल हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए थे, नाइन, तो नाइन आ गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये पूरा ए क्रॉस ए हमने लिख दिया था ऑलरेडी। हमारे पास दिए हुए थे एक तो माइनस वन कॉमा जीरो ऑलरेडी दिया था, एक जीरो कॉमा वन ऑलरेडी दिया था, इनको छोड़ के बाकी आप दोबारा से लिख सकते हैं कि रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखा जा सकता है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर माइनस वन माइनस वन, माइनस वन कॉमा वन, वन कॉमा माइनस वन, जीरो कॉमा जीरो, वन कॉमा जीरो, जीरो माइनस वन एंड वन कॉमा वन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्लास अभी किसी ने नहीं छोड़नी, यहाँ हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, क्लास नहीं छोड़नी किसी ने।